क्या आपको पता है मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी छोटी बेटी दिशानी चक्रवर्ती को एक कूड़े के ढेर से उठाया था एंड उन्हें गोद लेकर उन्हें अपनी बेटी का दर्जा दिया। नंबर टू, मंजिला बेटी ने जबलपुर के अनाथालय से एक तारा नाम की लड़की को गोद लिया था। नंबर थ्री, सुष्मिता सेन ने रैने और अलिसा नाम की दो लड़कियों को गोद लिया था। नंबर फोर, सलीम खान ने अपनी छोटी बेटी अर्पिता खान को एक सड़क के किनारे से उठाया था। नंबर फाइव, रवीना टंडन ने मात्र 21 साल की एज में दो लड़कियों को गोद लिया था और बाद में उनकी शादी भी कराई थी। नंबर सिक्स, सनी लियोनी ने साल 2017 में महाराष्ट्र के लातूर से एक बच्ची को गोद लिया। नंबर सेवन, प्रीति जिंटा ने साल 2009 में ऋषिकेश के एक अनाथालय से एक साथ 34 बच्चों को गोद लिया था। नंबर एट, जय भानुशाली एंड माही विच ने साल 2017 में दो बच्चों को गोद लिया था। नंबर नाइन, गुरमीत चौधरी और देबीना बेनर्जी ने पूजा और लता नाम की दो बहनों को गोद लिया। गाइस, क्या कभी आपने किसी यूट्यूबर के वीडियो पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक देखे हैं? वेल, ऐसा तभी होता है जब कोई यूट्यूबर किसी के बारे में कुछ गलत या कुछ रिएक्शन दे दे जिसकी ऑडियंस दीवानी हो। गाइस, ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिला हमें एक दिन पहले टेक्निकल गुरुजी के वीडियो पे, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिसके 21.5 मिलियन सब्सक्राइबर। जी हाँ गाइस, 21.5 मिलियन सब्सक्राइबर। उसने ऐसी क्या गलती की कि इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद भी उसके वीडियो पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक आए। चलिए देखते हैं उसी की स्टाइल। गाइस, आखिरकार इसके वीडियो के लाइक से ज्यादा डिसलाइक ये बताते हैं कि फ्री फायर के लवर इसके सब्सक्राइबर से भी ज्यादा है। जब आप एवेंजर जैसे फिल्म देखने के लिए जाते हो तो आप अपने माइंड में ये बैठा लेते हो कि आज आपको बहुत ही धमाकेदार सीन और धमाकेदार एक्शन के साथ फुल मनोरंजन मिलेगा और साथ ही भर भर के VFX का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा तड़का देखने को मिलेगा जो कि हमारे हिसाब से लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तभी तो गाइस इस तरह की फिल्में बहुत चलती है। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस तरह की फिल्म को ब्लॉकबस्टर पे हिट करने के लिए जितना बड़ा हाथ उन कलाकारों का रहता है उतना ही बड़ा हाथ VFX की टीम वालों का होता है, जो कि बिगेस्ट विलन थैनोस का रोल करने वाले जोश ब्रोलिन को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें अपनी बॉडी मूवमेंट पे काम करना पड़ा बल्कि साथ ही अपने फेस एक्सप्रेशन पे जबरदस्त जोरदार मेहनत करनी पड़ी ताकि जब इनके चेहरे पे विजुअल इफेक्ट्स का तड़का लगे तो कुछ ऐसा दिखे। इसलिए जब ये सीन कर रहे थे तो विजुअल इफेक्ट वाली टीम इनके साथ साथ लगे हुए थे ताकि सीन बिल्कुल परफेक्ट और माइंड ब्लोइंग। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करती है आप हमारे बहुत बड़ी वाली यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि वाकई में दमदार वाली बात है यार।